और इस बीच शंभू बॉर्डर पर किस तरह से प्रशासन और किसानों के बीच जो झड़प की तस्वीरें आई, हालात का जायजा लिया मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने, तस्वीर देखिए। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान जो रुको रुको यार पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान जो हैं वो दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब की तरफ है, यहाँ पर जो पंजाब जो किसान है वो यहाँ पर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो इनके लीडर्स हैं वो ये बार बार अपने जो यहाँ पर किसान हैं उनको, खासकर युवाओं को समझा रहे हैं कि अपने तरफ से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को जो उकसाया जा रहा है। तस्वीरें दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से ये जो घग्गर नदी का ब्रिज है और उसको पूरी तरह से हरियाणा पुलिस और जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने पूरी तरह से इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप तस्वीरें दिखा सकते हैं कि लगभग ये 100 से 150 मीटर का ये जो पुल है पूरी तरह से छावनी में तब्दील है और भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो जेसीबी हैं वो भी हरियाणा की तरफ से अर्धसैनिक बलों ने यहाँ पर लगाया है और थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ टियर गैस जो है वो भी फायर किए गए थे ताकि जो यहाँ पर आंदोलनकारी किसान हैं उनको पीछे किया जाए। लेकिन लगातार जो किसान नेता हैं वो खासकर इन युवाओं से अपील कर रहे हैं कि कोई भी उकसाने वाला काम जो है वो ना करे। और इसके अलावा लगातार नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों से जो उनकी मांग है उस पर बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि पिछले 4 दौर की जो बैठक मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो फॉर्मूला दिया गया था परसों, उस फॉर्मूले पर किसान नेता जो हैं उन्होंने पूरी तरह से उसको मानने से इनकार कर दिया और लगातार मांग ये हो रही है कि MSP पर नया कानून बनाया जाए। अब कई फसलों को MSP के जो खासकर 23 फसलें हैं उनको MSP के अंदर लाया जाए। इसके अलावा कर्ज माफी की जो मांग है वो लगातार कर रही है। लेकिन अगर हम इस शंभू बॉर्डर की बात करें तो भारी संख्या में जो यहाँ पर किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार दिल्ली जाने की जो मांग है वो उनके तरफ से की जा रही है। बार बार किसान नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शांति पूर्वक तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है उसको खोला जाए ताकि ये जो किसान हैं ये दिल्ली की तरफ जा सके। लेकिन सीधे तौर पर हरियाणा की तरफ से कह दिया गया है कि एक भी किसान को अंदर किसी भी हालत में नहीं जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर दिखाएं जिस तरह से टियर गैस मारे गए तो इस तरह के जो बोरे हैं वो रखे गए हैं ताकि जो टियर गैस जो आता अगर सेल उसका आता है तो ये बोरे जो हैं उस पर डाल दिए जाएं ताकि जो गैस का जो गैस निकलती है जो टियर गैस निकलता है उसके प्रभाव को कम किया जाए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं और किसी भी वक्त जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार जो किसान नेता हैं वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है इस पर हस्तक्षेप करे, उनसे बातचीत करे और अगर बातचीत नहीं करते हैं तो इन्हें दिल्ली के लिए जाने दिया जाए, वहाँ पर्याप्त जगह दिया जाए जहाँ पर ये जाके अपना आंदोलन जो है वो कर सके। तो मेरे सहयोगी यहाँ पर अमित पांडे की आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे। तो पंजाब की तरफ से लगे शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे।